हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। आज मैं आप सभी से मसाला काजू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी मैंने काजू से नहीं बनाया है, बल्कि मैदा से बनाया है और ये बहुत ही खस्ता और चटपटा है। तो चलिए फटाफट इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1/2 kg मैदा ले लेंगे और इसी में हम 1 कप रवा डाल देंगे। प्लीज़ आप लोग ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा। इस होली में आप मसाला काजू को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और अब 1 स्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि अजवाइन का फ्रेगनेंस अच्छे से आ सके। और अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हम 1/2 स्पून डाल रहे हैं और इसमें 1 स्पून का चौथाई भाग मीठा सोडा डालेंगे। और इसमें मोयन के लिए 1/2 कप हमको ऑयल चाहिए, तो ऑयल हमको अभी नहीं डालना है। पहले सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम मोयन लगाएंगे। मैदा और रवा को हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मीठा सोडा अच्छे से इसमें मिक्स हो पाए। होली में आप मीठा तो बना ही रहे हैं, तो प्लीज़ इस रेसिपी से आप मसाला काजू भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे और ऑयल को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मसाला काजू ज़्यादा बनाना है तो आप इंग्रेडिएंट बढ़ा के लीजिएगा। अब झटपट हमारा मोयन लग चुका है। जब मैदा हमारा ऐसे मुट्ठी में बंधने लगे, यानी कि मोयन हमारा परफेक्ट है। और अब मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको अच्छे से आटा गूंथ लेना है। हमको ये ध्यान रखना है कि आटा हमको सख्त लगाना है, नॉर्मल पूरी पराठा की तरह आटा हमको नहीं गूंथना है। आटा गूंथने के बाद आटा को हमको रेस्ट पे नहीं रखना है। तो लीजिए, झटपट आटा भी हमारा तैयार हो चुका है और हमको एक बराबर सारे लोइयों को कट कर लेना है। प्लीज़ आप लोग मेरे कहने पे मसाला काजू की रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लोई को कट कर लिया है। इसको अच्छे से हम इसका पेड़ा बना लेंगे, यानी कि लोई को अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। और अब 1 लोई को लेके अच्छे से उसका रोटी बेल लेंगे। रोटी को हमको ना ज़्यादा मोटी रखनी है ना ही ज़्यादा पतली रखनी है। देखिए, रोटी की इतनी थिकनेस होनी चाहिए। और अब इसी तरीके से दूसरे को भी हम अच्छे से बेल लेंगे। और अब दोनों रोटी हमारी रेडी है। अब हमको 1 रोटी के ऊपर दूसरी रोटी को रख देना है और अब इसको भी अच्छे से हम बेल लेंगे। ध्यान रखना है कि रोटी हमारी ज़्यादा मोटी ना हो ना ही ज़्यादा पतली हो। अब हमको कोल्ड ड्रिंक का एक ढक्कन ले लेना है और इसी से हमको काजू का शेप देना है। तो हमको आधा ढक्कन को रोटी के ऊपर रखना है और ढक्कन को दबा के आगे की तरफ खींच लेना है। ये देखिए, फटाफट हमारे मैदे से काजू रेडी हो रहा है। तो हमको इसी तरीके से पूरा काजू रेडी कर लेना है। तो ये प्रक्रिया बहुत ही इजी है और फटाफट बन जाता है। हमको ज़्यादा टाइम काजू को तलने में लगता है। काजू को हमको देर तक तेल में तलना होता है ताकि काजू हमारा अच्छे से खस्ता और क्रंची हो जाए। अगर आप चाहें तो 1 रोटी बेल कर भी काजू का शेप कट कर सकते हैं। 2 रोटी हमने इसलिए लिया है ताकि इसमें अच्छे से लेयर्स आ जाएं। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका मसाला काजू कैसा बना है। अगर आपने अभी तक किचन लाइफ विद अनामिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ये एक्स्ट्रा आटा हमारा बच रहा है, उसका हम फिर से रोटी बेलेंगे और काजू का शेप कट करेंगे। तो लीजिए, फटाफट देखिए, हमारे काजू रेडी हैं। और अब चलिए काजू के तलने के प्रोसेस पे चलते हैं। काजू को तलने के लिए तेल हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। और फ्लेम हमको लो कर लेना है और कढ़ाई में सारा काजू हम डाल देंगे। काजू डालने के बाद चम्मच या करछी से हम काजू को सेट कर लेंगे, यानी कि काजू को अच्छे से तेल में फैला देंगे। हमको बार बार काजू को चलाना नहीं है। और लो फ्लेम में धीरे धीरे काजू हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। हमको ये खास करके ध्यान रखना है कि फ्लेम हमारा लो होना चाहिए। और अब काजू हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। चलिए काजू को फटाफट हम निकाल लेते हैं। अगर आप सभी को जरा भी मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार चेक ज़रूर करिएगा। तो फटाफट सारा काजू कढ़ाई से हमने निकाल लिया है और काजू में डालने के लिए हमको एक मसाला रेडी करना है। तो काजू को कढ़ाई से हम निकाल लेते हैं, इसके बाद इसका हम मसाला रेडी करते हैं। और अब कढ़ाई में हम दूसरा बैच डाल देंगे और इसको भी लो फ्लेम में अच्छे से रेडी करेंगे। जब तक कढ़ाई का काजू आपका रेडी होता है, तब तक आप फटाफट रोटी को बेल के काजू कट कर सकते हैं। अब चलिए हम मसाला बना लेते हैं। तो सबसे पहले 1 स्पून काला नमक लेंगे, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, 2 स्पून चाट मसाला, 1 स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 स्पून अमचूर पाउडर और इसमें धनिया और नमक भी हम डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमको ये मसाला गरम गरम काजू पे डालना है। 1 स्पून का तिहाई भाग धनिया पाउडर और 1 स्पून का तिहाई भाग नमक ले लेंगे।
अब हमको मसाले में कुछ भी नहीं डालना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए गरम गरम काजू हमारा रखा है, अब इसी पे हम मसाला डाल देंगे और हाथों से या करछे से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। काजू के जितने बैच निकलते जाएं इसी बर्तन में आप डालते जाएं, ऊपर से मसाला आप स्प्रिंकल करते जाएं और मिक्स करते जाएं। ये हमारा लास्ट का बैच है और अब इसमें पूरा मसाला हम डाल देंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। काजू हमारा जैसे कढ़ाई से निकले हमको तुरंत मसाला मिलाना है। अगर गरम गरम काजू पे मसाला हम मिलाएंगे तभी मसाला हमारा काजू पे चिपकेगा, ठंडा हो जाने पे काजू पे मसाला हमारा चिपकेगा नहीं। काजू का मसाला बनाने के लिए हमने जो जो इंग्रेडिएंट लिया है हमको सारा लेना है, कोई भी चीज़ हमको स्किप नहीं करनी है। तो आज ही फटाफट होली के लिए आप मसाला काजू रेडी कर लीजिए। प्लीज़ आप सभी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।